टॉपिक so एंड uh, पता ही है, हम सबको मशीन लर्निंग क्या होती है सो बेसिकली हमको एक मशीन बनानी होती है जिस मशीन में हमको एक डेटा सेट से डेटा उठाना होता है एंड इसको बताना होता है ये डेटा ऐसे ट्रेंड में है तो so इसको देख के वो सीखता है एनालाइज करता है अपने अंदर ट्रेन करता है उसको एक्चुअली हमें ट्रेन करते हैं एंड देन वो अपना आउटपुट निकालता है ठीक है सो दिस इज मशीन सो वॉट विल बी द स्टेप्स ऑफ लर्निंग हम खाली प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देंगे प्लान क्या होगा सबसे पहले हम पाइथन के बेसिक्स देखेंगे एनवायरमेंट सेटअप करेंगे मैथ्स के क्या बेसिक्स लगेंगे वो देखेंगे बेसिक मॉड्यूल्स देखेंगे एंड देन आज ही हम अपना फर्स्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने वाले हैं तो दैट इज द मोस्ट बेसिक मॉडल एट अ बिगिनर विल एवर मेक सो इन सम अदर कोर्सेज जनरली क्या करते हैं ना दो तीन लेक्चर वो बीस बीस मिनट के खाली थ्योरी पर ही बता देते हैं एंड दैट थ्योरी इज नन ऑफ आवर वर्क कुछ उसका काम नहीं पड़ता है क्योंकि आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है मशीन लर्निंग में ज़्यादा ठीक है सो so, हम थोड़ा फट से आगे बढ़ते हैं ठीक है फुल प्लान क्या है सबसे पहले हम बेसिक्स को कवर करेंगे उसके बाद से मैथ्स के कुछ बेसिक्स देखेंगे फिर मॉड्यूल्स देखेंगे इन्वामेंट सेटअप करेंगे उसके बाद से हम आ, अपना फर्स्ट मॉडल बनाएंगे बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना डायरेक्ट डायरेक्ट प्रैक्टिकालिटी ठीक है तो so, देखो एक हमारे पर्सनल मॉडल होता है साइकिल लर्न साइकिल लर्न क्या होता है साइकट लर्न बेसिकली एक इंस्टिट्यूशन ने एक ग्रुप ऑफ एक कॉम्यूनिटी एक ने बनाया है जिसके जिसके अंदर ना काफी सारे हमको मॉडल्स मिल जाते हैं ठीक है काफी सारे मॉडल्स काफी सारे डेटा सेट जो कि प्री डिफाइंड होते हैं जिनको यूज करके हम अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं ठीक है तो हम साइकट का यूज करने जा रहे हैं तो साइकट को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं देखो मैं बता देता तो. हूँ ग्रोम पे आ जाना आराम से यहाँ पे लिखना साइकट साइकट लर्न और जो भी फर्स्ट है ना इसके अंदर आ ओके सो so, अब क्या है यहाँ पे इंस्टॉल का है? इसके अंदर गाइड है सो इंस्टॉल का मैं बता देता हूँ करना कैसे है कोई भी एडिटर खोलना है पाइथन का उसके अंदर लिख देना यहाँ पर आ करके टर्मिनल के अंदर ठीक है चाहे वीर स्पोर्ट खो लूँ चाहे पाएचाम खोलूँ आई वुड सजेस्ट पाइचाम क्योंकि पाइथन के लिए बना है ऑफ कोर्स ओके सो यहाँ पे आपको लिखना है पी आई पी इंस्टॉल एस के लर्न अगर एस के लर्न काम ना करे तो साइकिट लर्न लिख देना ठीक है तो ये आपको इंस्टॉल कर देगा ओके अगर पाइथन थ्री यूज़ कर दे तो पी आई पी थ्री लिख देना सो साइड लर्न इतना सा था अब हम क्या करेंगे इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे सो देखो मशीन लर्निंग इज अ थिंग जिसके अंदर हमको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है कि दिस ब्लॉक ऑफ कोड इज वर्किंग और नॉट और इफ़ दिस इज वर्किंग हाउ इज दिस वर्क तो हम क्या करेंगे ऐसे ब्लॉक टू ब्लॉक यूज करने के लिए ना अगर हम किसी नॉर्मल एडिटर में करते हैं मान लो पाइचाम में करते हैं तो पाइचाम के अंदर क्या होता है ना मेरे को पूरा वो लिखना पड़ेगा कोड लेट से ने लेट से मैंने ग्रेडिय डिसेंट का कोड लिखा हुआ है कोड मैंने पूरा लिखा मेरे को अगर चाहिए कि मैं सिर्फ इतने को चला पाऊँ सो दैट इज टू आर्ट फॉर मी दैट इज टू आर्ट फॉर मी बट मेरे पास एक तरीका है वो तरीका क्या है जुपिटर नोटबुक सो जुपिटर नोटबुक अलाउज मी टू रन द ब्लॉक ऑफ कोड दैट आई बॉन ओके मैं दिखाता हूँ कैसे सबसे पहले जुपिटर नोटबुक को हमको इंस्टॉल करना सो अगेन वी आई बी इंस्टॉल जुपिटर लैब इंस्टॉल करना है ठीक है जुपिटर लैब इंस्टॉल होने के बाद वो कैसा दिखेगा मैं दिखा देता हूँ मेरे में इंस्टॉल हो रखा है ऑलरेडी तो जुपिटर लैब इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे लिखने का जुपिटर लैब एंड एंटर प्रेस कर देना सो दिस विल ओपन योर लोकल होस्ट सर्वर एट योर पीसी एंड दैट विल ओपन द जुपिटर लैब फॉर यू ओके तो जुपिटर लैब कैसे खोलता है no. देखते हैं Okay. okay. देखो इस टाइप से कोई जुपिटर लैब खुलेगा ठीक है और इसके अंदर क्या है ना आपको टर्मिनल से ही इसको ओपन करना पड़ेगा देर इज नो वे कि आप इसको शॉर्टकट से ओपन कर लो या फिर नेट पे जाकर के ओपन कर लो ओके वंस यू हैव इंस्टॉल्ड दिस आप टर्मिनल पे जाना देखना जुपिटर नोटबुक एंड दिस विल बी ओपन तो ये मैंने पहले से बना रखे हैं एक नोट आपको क्या करना है फोल्डर में आ जाना जिस भी फोल्डर में आप आना चाहते हो जिसमें भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उस फोल्डर में आ जाना ठीक है ऑर्डर के अंदर भी न्यू फोल्डर बनाना चाहते हो बना लेना लेट से मैं कहता हूँ ट्यूटोरियल्स ठीक है इसके अंदर अब मेरे को एक न्यू नोटबुक बनानी है क्योंकि नॉर्मल पाइथन फाइल को एडिट नहीं करता है नोटबुक को ही एडिट करता है ओके नाउ यू हैव टू चूज योर कर्नल्स फर्स्ट सो कर्नल चूज कर लेना अपना पाइथन थ्री वाला जो भी डिफॉल्ट होगा ओके वॉट वॉट डू कर्नल डू ये ऑनलाइन कंपाइलर का काम करता है ठीक है नाउ देखो इसको हम कैसे यूज करते हैं लेट से मेरे को एक एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है प्रिंट के लिए तो मेरे को प्रिंट करने क्या हेलो okay. पाइथन के अंदर सो so, मैं इसको अब क्या कर सकता हूँ मेरे पास एक चांस है कि मैं सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड को सिर्फ और सिर्फ रन करके देखूँ सो प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर सो ये मेरे का आउटपुट एज ए हाथ के हाथ दे देगा मेरे को उसके अंदर टाइम देना ही नहीं बिल्कुल भी ठीक है ओके मैं चाहता हूँ कि ये रन करे एंड एक नया शेल खुल जाए मेरे लिए जिसके अंदर मैं नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकूं सेपरेट फ्रॉम दैट सेपरेट फ्रॉम दिस लाइन सो मैं क्या करूंगा शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊंगा अब देखो मेरे को आउटपुट के साथ साथ एक नेक्स्ट शेल मिल गया इसके अंदर मैं अभी इसके अलावा प्रोग्राम लिख सकता हूं कोड लिख सकता हूं नाउ लेट से अगर मैंने इसको अगेन से सेम कोड को लिखा यहां पे पेस्ट कर दिया ठीक है मैंने यहां पे लिखा सेकेंड अब मैंने यहाँ पे सेकेंड लिख दिया नौ लेट से वो फर्स्ट वाला चलाता है कि नहीं चलाता है ओके okay? सो so, मेरे को नेक्स्ट भी ऐड करने है तो मैं शिफ्ट प्लस सेंटर दबा देता हूँ तो अभी इसने खाली सेकेंड को प्रिंट किया है यानी कि ये सिर्फ इतने ब्लॉक ऑफ कोड को चला रहा है एंड दैट इज वॉट वी वॉन्ट इन मशीन लर्निंग हमको पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड चाहिए ताकि वो मेरे लिए भी आसान रहे ट्यूटलाइज करने के लिए एंड आपके लिए भी आसान रहे उसको विजुलाइज करने के लिए ओके नाउ लेट्स मूव हेड तो हमने अपना एन्वायरमेंट सेटअप कर लिया है बहुत अच्छे से कई चीज़ों में मैं पाइचाम का यूज़ करने वाला हूँ कई चीज़ों में मैं जुपिटर पर यूज़ करने वाला हूँ डोंट बी अफ्रेड वॉट विल आई यूज यूज़ वॉट एव यू वॉन्ट जस्ट फॉर योर ओन ईज़ यूज जुपिटर लाइब्रेरी ओके और यूज वॉट आई एम यूजिंग इन द लेक्चर ओके एक पाइथन में हमको सबसे पहले क्या देखना है पांडा मैट प्लॉट लिप डेटा सेट्स डिक्शनरी एरियज इंडेक्सिंग नंबर हर एक चीज़ को हम फटाफट से देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम हम स्टार्ट करते हैं किससे एरे से इंडेक्सिंग से नंबाइज से एक्सेट्रा से तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग क्या होती है तो लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है पाइथन के अंदर ठीक है लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या है वन टू थ्री फोर ठीक है वन टू थ्री फोर सो देर आर फोर करेक्टर्स इन माई इन माई लिस्ट नाउ वॉट आई वॉन्ट कि ये जो मेरी लिस्ट है ना ये जो मेरी लिस्ट है ना इसके अंदर मेरे को फोर्थ कैरेक्टर दिखे फोर्थ कैरेक्टर क्या है मेरे को वो जानना है तो लिस्ट का फोर्थ कैरेक्टर देखने के लिए मेरे को इसका एक लेबल दिखाना पड़ेगा कि लिस्ट के अंदर इन सब की एक लेबलिंग होती है और वो लेबल किससे स्टार्ट होता है जीरो से ठीक है जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट का कुछ लेबल होगा सो तो फर्स्ट का लेबल क्या होगा जीरो होगा सेकेंड का लेबल क्या होगा वन इसी को बोलते हैं इंडेक्सिंग तो अब मेरे को अगर इंडेक्स करना है थर्ड को मतलब मेरे को अगर थर्ड एलिमेंट को इंडेक्स करना है तो उसकी इंडेक्स क्या होगी जो एलिमेंट वो है जैसे ये थर्ड एलिमेंट है तो एन की वैल्यू क्या होगी थ्री एन में से माइनस कर दो सो तो टू, टू बचा सो तो इसका इंडेक्स कितना टू ठीक है वन माइनस करने का क्या रीजन हुआ क्योंकि एक जीरो भी होता है तो वी आर इंक्लूडिंग ऑल नंबर तो अगर मेरे को प्रिंट करना है लिस्ट के अंदर थर्ड एलिमेंट तो मेरे को सेकेंड इंडेक्स करना पड़ेगा सो so, इंडेक्स के लिए वी ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स एंड एरेज के लिए वी ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स ठीक है सो मैं इसके अंदर सबसे सब पहले मैं लिखता हूँ कर रहा हूँ मैं कौन सा इंडेक्स है सेकेंड प्रिंट दिस सो क्या गया थ्री सो सेकेंड इंडेक्स पे क्या है थ्री सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग इन पाइथन ओके ना वॉट आर एरेज देखो एरेज के लिए मैं एक बहुत बेसिक चीज सी चीज समझाता हूँ एरे क्या होता है देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ा हो याद हो तो मैट्रिक्स में क्या करते थे यहाँ पे एलिमेंट्स लगे हुए होते थे ठीक है यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स होते थे तो इसको थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स बोलते थे ऑर्डर इसका थ्री होता था ठीक है सो दीज आर द रोज ये जो ऐसे ऑरिजेंटल में है ना इनको रोज बोलते हैं ये रो वन है ये रो टू है एंड दीज आर द कॉलम्स करेक्ट सो ये रो और कॉलम का जो ग्रिड होता है ना इसको हम एरे बोलते हैं नाउ एरे कैन बी वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल ठीक है ओके सो लिस्ट इज वॉट वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल लिस्ट के अंदर हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं सो लिस्ट इज ऑफ कोर्स वन डायमेंशनल ठीक है नो वॉट विल बी टू डायमेंशनल एरे जिसके अंदर हम हर वैल्यू की एक दूसरी वैल्यू भी असाइन करते हैं एंड बोथ द दैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ठीक है ना जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है हम टू डी एरे का यूज करते हैं क्यों एक एक्स है और एक वाई है है ना और थ्री डी कोर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है थ्री डायमेंशन एरे पा यूज करते हैं एक एक्स एक वाई और एक जेड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज एंड वी आर गोइंग टू यूज नम पाई एज अ एरे को तो हम इम्पोर्ट करेंगे नम्पाई को ठीक है नम्पाई में मान लो एन पी से इम्पोर्ट करते हैं एज एन पी तो नम्पाई में ना एक ही काम है हमारे पास एरे का और नम्पाई का कुछ और काम आएगा तो मैं उसी टाइम को तो बता दूंगा कैसे हैंडल करते हैं नम्पाई से एरे को सो so, हैंडल करने के लिए मान लो मैं कह रहा हूँ एरे वन तो so, एरे वन इज इक्वल्स एन पी डॉट एरे एंड यूज दिस एंड नाउ विल वन टू थ्री ओके सो इसका सबसे पहला यूज मैट प्लॉट लिप में होगा अभी जस्ट होगा सो so, अब मैंने क्या किया एक एरे बना दिया थ्री डी एरे बना दिया ठीक है मतलब अभी ये वन डी एरे है क्यों क्योंकि इसके अंदर एक ही डायरेक्शन में तीन एलिमेंट्स लगे हुए ठीक है ना अगर मेरे को इसको टू डी एरे बनाना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डबल डबल लगा दूंगा ये वाले ब्रैकेट so, और थ्री डी बनाने के लिए मैं वहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल लगा दूंगा ठीक है इसका यूज कहाँ पे आएगा जब हम अपने मॉडल से प्रोडिक्शन मांगेंगे तब हमको टू डी देना पड़ता है वहां पे ज्यादा अच्छे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसको इग्नोर करना ये अभी हमने थोड़ा गलत अच्छा लगाया हुआ है ठीक है इग्नोर दिस जस्ट इग्नोर दिस डोंट वेस्ट योर टाइम देयर ना वो आगे बढ़ते हैं पांडास के ऊपर तो व्हाट इज पांडा वो तो पांडा क्या होते हैं इससे हम डेटा सेट को मैनेज कर सकते हैं उनको प्री प्रोसेस करना डेटा सेट को डेटा फ्रेम करना डेटाज को फ्रेम करने का मतलब क्या होता है एक सेट में कंपाइल करना यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स में कंपाइल करना इज कॉल्ड डेटा फ्रेमिंग ओके तो पांडा से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो जो स्टेटिस्टिकल वर्क होता है ना डेटा के साथ वो सब हम कर सकते हैं तो एक एक करके हम समझते जाएंगे पांडा का काम क्या है फर्स्ट लेमी इंट्रोड्यूस व्हाट इज पांडा देन हम मॉडल के साथ साथ ये सारी चीज़ें समझते हुए जाएंगे ठीक है पांडाज एज पी अगर मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ तो इसको यूज़ कैसे करना है सो पांडा का सबसे पहला यूज मैं आपको बताऊँ सी एस फाइल रीड करने के लिए होता है तो इफ़ यू नो वॉट इज सी एस वी देन डेट्स ओके इफ़ यू डोंट नो लिमिटेल यू सी एस वी इज ए काइंड ऑफ फॉर्मेट जो हम यूज़ करते हैं डिलीमिटर्स ठीक है कॉमर डिलीमिटर्स क्या होता है जैसे मान लो मेरे पास एक फाइल है उस फाइल के अंदर कई सारे वैल्यूज है जो कि कॉमा से सेपरेटेड है और दि, दिस इज कॉल्ड दिस फाइल इज कॉल्ड कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ठीक है जब हम कोई एक्सेल की फाइल बनाते हैं उसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना है तो हम सी एस वी का यूज कर सकते हैं एंड सी एस वी को जब हम फ्रेम करेंगे सी एस वी के डेटा को तो वो एक वापस से एक्सेल वाली शीट यानी कि एक टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा इसी को बोलते हैं सी एस वी को डेटा फ्रेम करना तो सी एस वी को ओपन कैसे करा जाता है सी एस वी को ओपन करने के दो तरीके होते हैं सबसे तो पहला तरीका क्या होता है इम्पोर्ट सी एस वी करके कैसे करते हैं इम्पोर्ट सी एस वी करते हैं फिर हम क्या करते हैं एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं फाइल इज इक्वल्स टू सी एस वी डॉट रीड यहाँ पे हम क्या करते हैं आई एम सॉरी यहाँ पे फाइल का नेम विद एक्सटेंशन डालते हैं ओके okay. एंड यहाँ पे हम डालते हैं मोड मोड का मतलब क्या होता है रीडिंग राइटिंग या फिर रीडिंग राइटिंग इन बाइनरी और एपिन ये सारी चीजें डालते हैं ठीक है ठीके? लेकिन ये हमको कुछ नहीं करना ये हमको कुछ नहीं करना अच्छा रीड भी नहीं करते पहले उसको ओपन करते हैं उसके बाद रीड करते हैं लेकिन पांडा ने हमारा काम आसान कैसे कर दिया हमने क्या किया पहले एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया काइलेज पोस्टो सी एस वी सॉरी रीड अंडर स्कोर सी एस वी ओके एंड यहाँ पे मैंने डाला फाइल का नेम फाइल डॉट टी एक्स टी एंड यहाँ पे मैंने बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं डाला क्योंकि रीड ही करना है ऑफकोर्स ओके एंड यहाँ पे हमारी जो सी एस वी फाइल है ना वो रीड हो जाएगी तो चलो मैं टेलीग्जाम्पल मेरे पास एक सी फाइल रखी होगी फॉर एक एग्जाम्पल डेटा सी की ठीक है डेटा सी डॉट सी हम ओपन करते हैं सो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इसका नाम हाँ इसका नाम जरूर चेंज कर देना यार आ गया नाम का नाम तो ये मेरे पास डेटा सी एस वी है इसको मेरे को कॉपी करना है ओके कॉपी करके मैं अपने फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ एंड मेक श्योर आप भी अपने फोल्डर में पेस्ट करके रखना नहीं तो आपको रिलेटिव बात बताना पड़ेगा उसका आप चलिए बात एम सॉरी ओके सो ट्यूटोरियल्स में आई गेस मैंने सेव किया था यस ट्यूटोरियल्स एंड यहाँ पर मैंने आकर पेस्ट कर दिया नाउ वी हैव डेटा सी एस वी डॉट सी एस वी एंड एट सी डेटा सी एस वी में हमारे क्या क्या फाइल्स हैं सो so, इसको अभी मैं ऐसे ही रख दूंगा ना सो so इसके अंदर कुछ नहीं होगा देखो ठीक है क्योंकि इसने खाली रीड कर दिया मैंने कंट्रोल एंटर किया इसने खाली रीड कर दिया ठीक है आई एम ओ पी डी रीड करना पड़ेगा क्योंकि हम पांडा को कह रहे हैं कि सी एस वी को रीड करो है ना सो दिस दिस वॉज मिसिंग ऑफ ऑफकोर्स तो इसको हमने कंट्रोल में एंटर कर दिया तो दिस इज डूइंग नथिंग करेंटली चो क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया अभी तो so प्रिंट करने के लिए जम्प्यूटर में एक फायदा है प्रिंट करना है आपको खाली वेरिएबल का नाम लिख दो तो प्रिंट हो जाएगा अपने आप तो देखो अभी हमारे पास ये चार कंटेंट आ गए हमारे पास ठीक है ये चार कंटेंट क्या है एरिया वर्सेस प्राइस का एक सी था तो हमारे पास ये फ्रेम्ड आ गया पूरा का मतलब क्या है कि ये पूरा टेबुलर फॉर्म में आ गया हमारा डेटा अब हम क्या चाहते हैं ये तो हमने सी ओपन कर लिया लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक डेटा सेट है जो कि रॉ डेटा सेट है रॉ डेटा सेट मतलब क्या है कि वो फ्रेमड नहीं है अभी एंड उसको हमको फ्रेम करना है सो हम क्या करेंगे ओके सो मैं नेक्स्ट के अंदर आ जाता हूँ अब ये फायदा है देखो जुपीटर का मैंने यहाँ कुछ कर दिया यहाँ कुछ कर दिया यहाँ कुछ कर दिया ऐसे करके मैं ब्लॉक ऑफ फोर्ट्स को अरेंज कर सकता हूँ ठीक है अब हमको क्या करना है अपना बनाया हुआ डेटा सेट को फ्रेम करना है तो डेटा सेट कैसे बनाते हैं देखो डेटा सेट बनाने का तरीका होता है डिक्शनरी का तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा इज एक डिक्शनरी के लिए हम ये वाले आ, ब्रैकेट्स को यूज करते हैं ओके सो डिक्शनरी के अंदर दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक होता है की और एक होता है उसका वैल्यू ठीक है तो की का वैल्यू होता है डिक्शनरी के अगेन ऐसे ही दूसरा की के लिए की टू की टू के लिए उसकी वैल्यू होगी ठीक है की टू के लिए उसकी वैल्यू टू होगी सॉरी यहां पे हमको तो कॉमा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉमा से हम रोज को सेपरेट करते हैं अरे तो की टू के लिए वैल्यू टू की वैल्यू ठीक है देन तो ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई अलॉन्ग विद दैट ये हमारा एक डेटा सेट बन गया अब अगर मेरे को इसको फ्रेम करना है तो देखो फ्रेम कैसे करते हैं इम्पोर्ट करना पड़ेगा आपको सबसे पहले पांडास एज पी पी मान लो से कर देते हैं चलो ओके okay. तो अब फ्रेम करना है तो फ्रेम किस वेरिएबल में करना है मान लो फ्रेम या डी एफ कर दो डेटा फेम डेटा फ्रेम इजल्स टू पी डॉट डेटा फ्रेम ठीक है पी डॉट डेटा फ्रेम एंड हम क्या डेटा फ्रेम करेंगे अच्छा देखो यहाँ पे अगर आप शिफ्ट प्लस टाइप करते हो डेटा करते सो सॉरी ओके टाइप करने पे ये क्या करता है ऑटो uh, फिल कर देता है बट अभी यहाँ पे इसको ऑटो फिल मिल नहीं रहा है ठीक है कुछ कुछ फंक्शंस में ऑटो फिल कर देता है तो डेटा फ्रेम करना है उनको क्या इसको डेटा फ्रेम करना है जो अभी हमने सी uh, जो अभी हमने डेटा सेट बनाया है ठीक है तो डेटा को मेरे and then को फ्रेम करना है एंड देन मैं डी को प्रिंट भी कर देता हूँ राइट सो so, मैं इसको प्रिंट करता हूँ एंड रन करता हूँ सो सम डेट ऑफ डेथ ओके यहाँ पे आई गेस नेम है वही सी वॉट इज इट सेलर वैल्यूज सो लेट मी टेन यू वॉट आर स्केलर वैल्यूज देखो यहाँ पे हर एक की, की एक वैल्यू है दिस इज नाउर कंसिडर्ड एज डिक्शनरी ओके ना अगर मैं इसको मल्टीपल वैल्यूज कन्वर्ट कर दूँ जैसे मैंने मल्टीपल वैल्यूज के लिए एक एरे बनाना पड़ेगा है ना टू डी बनाना है अगर या वन डी ही बनाना है अगर सो so, वनडी में मल्टीपल वैल्यूज अगर मैंने डाली मान लू यहाँ पे मैंने वैल्यू वैल्यू एक्स डाल दिया ठीक है सो अब ये टू बन गया ओके एंड यहाँ पे भी मेरे को एक एरे बनाना है सो so, इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैल्यू वाइड ठीक है नो सी इसकी फ्रेमिंग कैसे होगी देखो इसकी फ्रेमिंग होगी इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू टू मिल जाएगा ठीक है की के वैल्यू की टू का वैल्यू टू मिल जाएगा की के वैल्यू एक्स के लिए की टू का वैल्यू वाई मिल जाएगा इस तरीके से फ्रेमिंग होगी इसकी ठीक है तो अब देखो इसकी फ्रेमिंग देखो ये फ्रेमिंग हो गई की वैल्यू के लिए की टू का वैल्यू टू मिल गया ठीक है की के वैल्यू एक्स के लिए क्यू टू का वैल्यू वाई मिल गया तो दिस इज वॉट फ्रेमिंग डेटा सेट लुक लुक्स लाइक सो वो एरर क्या था स्केलर वाला मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ वो एरर ये कहता है कि अगर आप एक की के लिए एक वैल्यू डालते हो सो दैट इज स्केलर वैल्यू लेकिन आप एक की के लिए कई सारे वैल्यूज डालते हो आइधर मल्टी डायमेंशनल हो या फिर सिंगल डायमेंशनल हो सो so, वो वही डेटा फ्रेम हो सकता है एक डिक्शनरी फ्रेम नहीं हो सकती ओके okay?

हम ग्राफ से पता कर सकते हैं सो so, ग्राफ के लिए हमको मैट प्लॉट लिब का यूज करना पड़ता है सो मैट प्लॉट लिब मस्ट बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम पिप कमांड pip, pip, pip install matplotlib एंड matplotlib का एक एट्रिब्यूट होता है matplotlib.pyplot तो pyplot so, plot as plt कर देते हैं इंपोर्ट करते हैं सो मैट pyplot क्या करता है कि वो ना आपको आपके कोऑर्डिनेट से एक ग्राफ प्लॉट कर देगा एंड उसके अंदर आप अपने एट्रिब्यूट्स लगा सकते हो जैसे जैसे मान लो मेरे को प्लॉट करना है पी एल टी डॉट शो या शो छोड़ो स्कैटर ठीक है स्कैटर मतलब क्या होता है स्कैटर ग्राफ मतलब क्या होता है सारे पॉइंट्स को प्लॉट तो कर देगा ठीक है अब मैं यहाँ पे पहले पॉइंट्स बना देता हूँ पॉइंट्स कैसे बना देता हूँ या छोड़ो पॉइंट्स में नहीं बना रहा मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ वन कॉमा टू तो ये वन कॉमर टू को प्लॉट कर देगा ठीक है ये देखो इसने दिया अब मैं क्या कह रहा हूँ प्लॉट करवाऊंगा अब मैं बनाऊंगा एरेज एरेज देखो कैसे बनाओ सबसे पहले मैं करता हूँ एक्स की वैल्यूज तो एक्स इज इक्वल्स टू नम्पाई इम्पोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एरेज के लिए मैंने कहा था नम्पाई में सब एक ही काम पड़ेगा वो है किसका काम पड़ेगा एरेज का तो इम्पोर्ट ना snp ओके नाउ x इज एन अर्ज तो np हैंडल करेगा किसको np हैंडल करेगा एरे को किस एरे को हैंडल करेगा इस एरे को जिसके अंदर 1, 2, 3 वैल्यू है ठीक है अभी मैं बताऊंगा इस एरे को कैसे मैच करेंगे y वाले के साथ फिर y के लिए बनाएंगे np. एरे 1, 2, 3 ठीक है अब देखो जैसे मैंने ऊपर वाले को फ्रेम किया था डेटा सेट को तो उसमें क्या था वैल्यू के लिए वैल्यू टू फ्रेम हुआ वैल्यू एक्स के लिए वैल्यू वाई फ्रेम हुआ ऐसे ही इस वन के लिए ये वन फ्रेम होगा इस टू के लिए ये टू फ्रेम होगा इस तरीके से हमने एरे बनाए ठीक है ठीके? और वन डी एरे क्योंकि हमने सिंगल ब्रैकेट लगाया है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्स डालता हूँ यहाँ पे वाई डालता हूँ एंड इसको जब मैं प्लॉट करूंगा वेट आई एम रियली सॉरी यहाँ पे हमको वो लगाना पड़ेगा पैरथिसिस लगाने पड़ेंगे क्योंकि एरे इज अ फंक्शन एरे इज होल्डिंग

वो थीटा क्या होगा स्लोप होगा एम को क्या कहते हैं स्लोप कहते हैं ठीक है मान लो ये क्रॉस करते हुए कर कहारो so, से, कि से ये वाले जो पॉइंट होगा, so, होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी दैट इज वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट इज डिनोटेड एट सी ये एक्स के लिए भी हो सकता है एक्स को कैसे काट रहा है ये लाइन एक्स को इतने इंटरसेप्ट पर काट रहा है मान लो वाई सो वाई विल बी द इंटरसेप्ट क्या observation 5 5 उसको डि ठीक है अच्छा वर्जन होता है रूट मीन और उसका अच्छा वर्जन होता है रूट मीन स्क्वायर सो रूट मीन स्क्वायर और मीन के आ, बीच जो एक्यूरेसी डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज्यादा होता है तो रूट मीन स्क्वायर इज वेरी एक्यूरेट दैन मीन ओके सो हम रूट मीन स्क्वायर का यूज़ करते हैं कहाँ यूज करेंगे फर्स्ट मॉडल में ही यूज करेंगे इसलिए ये सब मैं अभी बता रहा हूँ ग्राफ्स ग्राफ्स के अंदर हमको सबसे पहले स्केटर ही देखना होगा जो अभी हमने प्लॉट किया है स्कैटर ग्राफ मतलब कि हमको कुछ कोऑर्डिनेट्स पता होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे डिस्पाइट ऑफ एनी लाइन और समथिंग एट्स ठीक है हम लाइन वगैरह कुछ भी प्लॉट नहीं करेंगे नाउ लेट्स मूव एड टू है फर्स्ट मॉडल फर्स्ट मॉडल क्या होगा हमारा हमारा फर्स्ट मॉडल होगा लीनियर रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लीनियर इग्रेशन का हम um, जब भी uh, मान लो हमारे पास एक एरिया uh, दो हमारे पास कॉलम्स है ठीक है एक कॉलम है मेरे पास एरिया का पर एक कॉलम है मेरे पास प्राइस का वही अभी हमने जो सी एस खोली थी ना उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक कॉलम है एरिया का और एक कॉलम है मेरे पास प्राइस का तो अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा फीड कर दिया है ठीक है यहाँ पे मैंने कुछ एक डेटा फीड कर दिया एंड इस डेटा के परस्पेक्टिव मैंने यहाँ पे ये डेटा फीड कर दिया है अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मान लो फोर थाउजेंड मीटर स्क्वायर मतलब फोर हंड्रेड मीटर स्क्वायर एरिया है उसका प्राइस कितना होगा मान लो इसका प्राइस है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ठीक अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सिक्स हंड्रेड मीटर स्क्वा है उसका प्राइस कितना होगा सो so, मैं ही बता देता हूँ थर्टी थाउजेंड रुपीज होगा ठीक है ऐसे ही अगर मैंने आपसे पूछा कि एट हंड्रेड मीटर स्क्वायर है उसका प्राइस कितना होगा सो so, ये हमको निकालना है ठीक है सो दिस प्रशन इज मेड बाई लीनियर इग्रेशन ठीक है सो अब ऐसा लग रहा होगा कि ये तो काफी ज्यादा आसान है क्यों क्योंकि ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि एक लीनियर ट्रेंड में क्यों चार सौ के लिए बीस हजार हो रहा है छः सौ के लिए तीस हजार हो रहा है तो आठ सौ के लिए कितना होगा या चालीस हजार होगा क्योंकि हर दो पे ये दस बढ़ रहे हैं हर दो पे ये 10 so, दस बढ़ रहे हैं है ना सो इसमें से दस बढ़ जाएगा तो ये चालीस हजार हो जाएगा लेकिन जब ये अनिक्वल ट्रेंड होता है अनिक्वल मतलब क्या होता है यहाँ पे एरिया चार है यहाँ पे एरिया एक है यहाँ पे एरिया पाँच है सो so, इस एरिया के हिसाब से ये प्राइस को प्रेडिक्ट मतलब इस प्राइस को ये ट्रेन करता है अपने अंतर मतलब बेसिकली हम इसको ट्रेन करते हैं डेटा को फिट करता है अपने यहां और डेटा को फिट करने के बाद यह बता सकता है मान लो चार और एक के बीच में मैंने पूछा इससे कि तीन नवासी मतलब थ्री एटी नाइन का कितना प्राइस होगा सो so मेरे को एग्जैक्ट एट द डेसिमल प्लेसेस मेरे को अप टू वॉट एवर डेसीमल प्लेस आई वांट मेरे को प्रिडिक्ट करके बता सकता है एंड जितना कम डेटा होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी बट हमारा मॉडल किसी काम का नहीं होगा इसलिए हम डेटा को बढ़ा देंगे एंड एक्यूरेसी को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे ठीक है तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल एट लीनियर लीनिग्रेशन वर्क क्या क्या इसका क्या फ्लो ऑफ प्रोग्राम चाहे देखो वाई सू एम सी मैंने अभी एक बताया था आपको है ना इसी का यूज होगा कैसे मान लो यहाँ पे ये ग्राफ है ठीक है यहाँ पेटर प्लॉट कर दिया इस एरिया वर्सेस प्राइस का सो एरिया इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस इज डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रही है एरिया घट रहा है तो प्राइस घट रही so है सो एरिया के ऊपर प्राइस डिपेंडेंट है सो जो भी डिपेंडेंट होता है ना उसको हम वाई के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे मैंने रखा प्राइस एंड इंडिपेंडेंट को एक्स पे रखते हैं तो पे मैंने रखा एरिया डन अब क्या किया मैंने स्कैटर को प्लॉट कर दिया ये एल्गोरिथम देखते जाना है इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाए अब मैंने स्कैटर प्लॉट कर दिया कैसे मान लो इस 400 वर्सेस प्राइस मान लो इसकी चालीस हजार है तो 400 सौ वर्सेज चालीस हजार का एक स्कैटर यहाँ पे प्लॉट हो गया फिर यहाँ पे हो गया फिर इधर हो गया फिर इधर हो गया फिर इधर हो गया यहाँ पे यहाँ पे सो so, इसका जो एक मीन लाइन आएगा ना मीन लाइन मतलब क्या है? एक एवरेज लाइन वो कुछ इस टाइप से पास करेगा और वो इन सारे पॉइंट्स के हो सकता है ऊपर भी लाई करे हो सकता है साइड में लाई करे या हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर लाई करे सो so, ये जो लीनियर रिग्रेशन है ना ये ये वाली लाइन बनाता है पर इसी लाइन पे फॉल करने वाले हर पॉइंट्स का प्रडिक्शन वो देता है हर पॉइंट्स का प्रडिक्शन देता है जैसे मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने इसको ये ट्रेन कर दी इन सब डेटा से उसके बाद इसने एक लाइन बना दी ये वाली अब इस लाइन पर ही फॉल करवा करके जैसे मैंने मान लो यहाँ पे चार है एरिया और यहाँ पे प्राइस कुछ है मेरे को नहीं पता प्राइस क्या है मैंने पूछा चार सौ का प्राइस क्या होगा तो इस लाइन पे फॉलो करने वाला हर चार सौ का प्राइस बता देगा कि साठ हजार रुपये है ठीक है इस तरीके से ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल काम करेगा कैसे करवाएंगे अभी देखते हैं so, सो हम कर करते क्या है बेसिकली हमको नहीं करना है ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल करेगा जो साइकिट वालों ने बनाया है हमको खाली उसको अपने डेटा से ट्रेन करना है तो ये हम क्या करेंगे हर एक पॉइंट से उसका मीन एरर uh, निकाल एरर डिस्टेंस निकाल ठीक है जैसे इसको मान लो डेल्टा वन कह रहा हूँ एरर मतलब क्या होता है मीन मान लो एक तरीके से इसको मैंने डेल्टा वन बोला इस पॉइंट से मैंने इसको डेल्टा टू बोला इस पॉइंट से मैंने इसको डेल्टा थ्री बोला सो so, ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री अप टू कहाँ तक मान लो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री अप टू डेल्टा एंड तक जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं अप टू वो वहां तक कंप्लीट कर दिया हमने सम को सम कम्प्लीट कर दिया तो इसको बेसिकली सिग्मा के नाम से हम जानते हैं सिग्मा डेल्टा आई वेयर आई इज इक्वल्स टू वन से एन ठीक है और इसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है ये निकालना है हमको हर एक पॉइंट के लिए इस लाइन से और ये हमारे लिए करेगा लीनियर मॉडल ठीक है ये अभी तक समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं डायरेक्ट अब हम कोड पे चलते so तो हैं तो दिस वाज़ द बेसिक कैल ऑफ लीनियर मॉडल अब तो हम इम करते हैं ठीक है ना अब हमको क्या करना है हमको वो सी फाइल ओपन करनी है अपनी कौन सी डेटा सेट वाली सो so, क्या करेंगे पांडा का यूज करेंगे तो मैं डी एफ लिख देता हूँ है ना क्योंकि फ्रेम्ड डेटा ही होता है सी एस वी के अंदर तो डी एफ इक्वल्स टू वेरिएबल कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग डी एफ इक्वल्स टू रीड सी एस वी पी डी डॉट रीड सी एस वी सॉरी पी डी डॉट रीड सी एस वी फाइल का नेम क्या .csv, .csv था डेटा सी एस वी डॉट सी एस वी उसका एक्सटेंशन था ठीक है एंड यहाँ पे इसने हमारी फाइल को रीड कर लिया है ना अब क्या करेंगे इसने रीड कर लिया है अब हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं हमारे डेटा को तो इस टाइप का हमारा कुछ डेटा है अब हमको इसको एरिया वर्सेस प्राइस का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा ठीक है सो ग्राफ कैसे बनाएंगे मैट प्लॉट लिप से तो पी एल टी डॉट क्या करना पड़ेगा स्कैटर बनाना पड़ेगा स्कैटर कैसे बनाएंगे ताकि हमको पॉइंट्स का एक विजुअलाइजेशन हो जाए तो स्कैटर कैसे बनाएंगे हमको एरिया वर्सेज प्राइस का बनाना है अब देखो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को कैसे देख लिखते हैं वो मैं बताता हूँ देखो डी एफ बनाना है और डबल ब्रैकेट्स लगाने स्क्वायर वाले क्योंकि इसको हम टू तू, हमें टू डी बनाना है ठीक है उसके बाद से हमको यहाँ पे लिख देना है एरिया सो so, जब हम ऐसा लिख देते हैं ना इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे लिखते हैं डी एफ डॉट जो भी हमारा प्राइस है ठीक है तो एरिया क्या है ये है और ये प्राइस क्या है ये है और डी एफ क्या है जो हमारी फाइल है तो ये कह रहा है कि फाइल का जो एरिया है वो डिपेंडेंट है और फाइल का जो प्राइस है वो वो सॉरी फाइल का एरिया इंडिपेंडेंट है फाइल का प्राइस जो है डिपेंडेंट है यहाँ से जो स्कैटर मिलेगा हमको वो किस टाइप का मिलेगा अरे आई एम सॉरी ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए तो ये स्कैटर हमको कुछ इस टाइप का मिल रहा है देखो इस टाइप का ये यहाँ पे है कि यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे, 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 पे चार वैल्यूज है पास ठीक है हमको क्या करना है ना सैकेट लर्न जो होता है इनको करना है साइकिट लर्न import sklearn लर्न ठीक है sklearn लर्न इम्पोर्ट करेंगे sklearn लर्न डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर ठीक है फिर एक मॉडल ऑब्जेक्ट बनाएंगे मॉडल इज इक्वल लीनियर रिग्रेशन बना दिया मॉडल ऑब्जेक्ट ओके अब हमको क्या करना है मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा फिट करना तो कैसे करेंगे सबसे पहले ऊपर से ये डेटा उठा करके ले आते हैं हम लोग कौन सा ये वाला ठीक है तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे उठा करके ले आते हैं सो so, अब हमारे पास ये डेटा आ चुका है अब हम क्या करेंगे मॉडल के अंदर डेटा को ट्रेन करना है सो so, वो करने के लिए हमको क्या करेंगे मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट फिट फिट किस करना है डी एफ डॉट डी एंड एरे बनाना पड़ेगा हमको है ना so, सो डी के अंदर एरे बनाना पड़ेगा एरिया का एंड डीएफ डॉट प्राइस ओके, okay. so, अभी अब इसको मैं रन करूंगा ना तो मॉडल जो है हमारा वो डेटा को ट्रेन कर लेगा तो लेट सी एंड वेट ओ या यहाँ पे हमको फॉर्म लिखना पड़ेगा इस लर्न वाले मॉड्यूल से हमको इम्पोर्ट करना है लीनियर डिग्रेशन को ओके okay. तो so, हमारा जो मॉडल है वो डेटा को रीड कर चुका है ठीक है क्योंकि यहाँ पे जब मैंने रन किया तो कोई एरर वगैरह कुछ भी नहीं है सो डेटा रीड कर चुका है ठीक है हमको क्या करना है प्रेडिक्ट ये देखो ये आ गया हमारे पास मतलब कि ये आ जाने ना तो समझ आए डेटा रीड कर चुका है अब हमको प्रिडिक्ट करवाना है तो प्रिडिक्शन के लिए एकदम नॉर्मल फंक्शन होता है क्या मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट प्रिडिक्ट एंड जो भी हमारी वैल्यू है जैसे हमारी वैल्यू क्या है अच्छा टू डायमेंशनल एरे में ही डालना पड़ेगा याद रखना क्योंकि हमने इसको यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे बनाया है इसको पे हम के अंदर वैल्यू डालेंगे तो लेट से मैं आ, वैल्यू डालता हूं आ, वैल्यू टू वन सेवन सिक्स एट ऑल कोई भी वैल्यू दे ठीक है एंड इसको जब मैं रन करूंगा तो अब अब क्या रहा Oh, ये गया था मैं. Okay. तो ये ना ये बोल जाते हैं so, ये देखो, एरे की वैल्यू आ गई थर्टी थ्री थर्टी थ्री द प्राइस प्लॉट जिसका एरिया कितना है टू वन सेवन सिक्स मीटर स्क्वायर है तो दिस इज हाउ लीनियर रिग्रेशन मॉडल वर्क एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रोडिक्ट एरिया वर्सेज प्राइस अब एरिया वर्सेज प्राइस की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो जैसे आपने लगा दिया टूल्स uh, वर्सेस उसका रेट सो so, इस इतने टूल्स के लिए उत, किस कितना रेट होगा उस टाइप से आप लगा सकते हो या फिर आप लगा सकते हो पेशेंट्स वर्सेस डेथ इस टाइप का लगा सकते हो सो so, आप कुछ भी लगा सकते हो अब आप, अब आप, आपके ऊपर है कि आप अपने डेटा सेट को कैसे ट्रेन करते हो सो दिस वाज लीनियर रिग्रेशन एंड ऑल द बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग जो हमको रिक्वायर्ड होंगे सो फर्स्ट लेक्चर इज इस little bit lengthy and well that's easy but a little bit lengthy so the next lecture will be of linear regression also but we have linear regression in two forms simple linear regression and multivariate linear regression so multivariate के अंदर क्या करते हैं अभी हमने खाली area लिया है अब हम क्या लेंगे area के साथ ले लेंगे age मतलब घर का age कितना है plot का age कितना है so area बढ़ रहा है price बढ़ रही है एज घट रहा है प्राइस घट रही है या फिर सॉरी एज घट रहा है तो प्राइस बढ़ रही है इन सब ट्रेंड्स को देखते हुए हम लीनियर मॉडल को ट्रेन uh, करेंगे देन हम देखेंगे लॉजिस्टिक देन हम देखेंगे uh, उससे पहले हमको ग्रेड डिसेंट देखना पड़ेगा ताकि हम अपना मॉडल ट्रेन कर सके साइकिट वालों का मॉडल ट्रेन नहीं करें एंड उसके बाद हम देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यस नो वाला तो दिस वॉज ऑल फॉर नाउ कोई दिक्कत होती है सो यू कैन टेक्स्ट मी एट Telegram DM or just comments or DM at Insta. Oh, so just follow.